हम एस पेट एनिमल्स देखते हैं कुछ वाइल्ड एनिमल जिनके नाम हम बहुत टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं एनिमल्स आर देयर जिनको या तो हमने देखा है इमेज देखा है बट वी आर नॉट अवेयर कि एक्जैक्टली इंग्लिश में क्या बोलते हैं या फिर कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनके हिंदी नेम्स यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ बट येस उनके हिंदी नेम्स के अलावा आपको उनके इंग्लिश नेम्स जो है वो क्लियर नहीं है सो ओवरऑल देयर देर आर लाइक अ लॉट ऑफ एनिमल्स देखे हैं हमने बट वट डू वी कॉल देम इन इंग्लिश दैट इज दैट यू विल लर्न इन दिस देर आर सर्टन एनिमल्स जिनके ऑलरेडी आपको पता होंगे भाई इनके इंग्लिश नाम क्या है बट येस वी वुड ऑल्सो टेक इन टू कंसिडरेशन बिकॉज मे बी देयर लाइक पर्सन जिसको नहीं पता हो सो वी आर गोइंग टू कंसिडर

नेक्स्ट वन इज अ म्यूल अब एक हॉर्स होता है एक डोंकी होता है देन देर इज अनादर वन जिसे म्यूल कहते हैं ठीक है सो इस तरीके का ये दिखता है ऑब्वियसली इसको यूज किया जाता है फॉर ट्रांसपोर्टिंग लोड या कैरिंग लोड इस पे सामान रख दिया जाता है एंड देन फॉर ट्रांसपोर्टेशन इट इज यूज सो दिस इज वॉट अ म्यूल इज थोड़ा बहुत ये हॉर्स थोड़ा बहुत डोंकी की तरह दिखता है बट दिस इज डिफरेंट डन ऑल राइट

लाइक दिस इज हाउ दिसक्स डन ऑल राइट नेक्स्ट वन इज अ डोंकी अगेन वी सो द म्यूल राइट अब आप देखोगे कि हाँ कहीं ना कहीं म्यूल जो है वो डोंकी से भीर असेंबल करता है तो इसीलिए उसको हमने देखा नाउ दिस इज डोंकी अगेन दिस वर्ड इज यूज फॉर एन एनिमल एंड ऑल्सो वी यूज दिस वर्ड फॉर समबीज पुलिश बट वी शुड ऑल्सो कीप इन माइंड की दिस इज अ वेरी हार्ड वर्किंग एनिमल इस पर सारी चीजों को you know, रखकर या ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाता है कोई भी चीज रख देते हैं तो इसी को बोलते हैं डोंकी या गधा इन हिंदी डन ऑल राइट नेक्स्ट वन इज कागेन वी हैव सीन दिस इन रियल लाइफ बहुत बार बिक समीपल ऑल्सो कीप दिस इन देयर हाउसेज काओ मिल्क भी हम पीते हैं राइट right? सो so, इस तरीके से वी हैव सीन काउज ना काउज आर ऑल्सो ऑफ डिफरेंट काइंड बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट काउज होती हैं जिनके अलग अलग ब्रीड्स होते हैं सो दिस इज़ हाउ लाइक अ नॉर्मल काओ वुड लुक लाइक विदाउट पैटर्न दिस विद दिस पैटर्न यू कैन फाइंड अ लॉर्ड ऑफ कााउज सो दिस इज हाउ काओ लुक्स लाइक जिसको हम गाय बोलते हैं इन हिंदी डन ऑल राइट नेक्स्ट वन इज अ जेकॉल जिसे सीआर कहा जाता है इन हिंदी दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक ये थोड़ा बहुत फॉक्स की तरह दिखता है बट इट्स नॉट अ फॉक्स ठीक है तो इसी को सीआर बोलते हैं हिंदी में और इसी को जेकॉल बोलते हैं इन इंग्लिश क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट वन इज अ अब्रा अब ये आपने पैटर्न देखा ही है विच इज अब्रा पैटर्न जेड फॉर हम पढ़ते ही हैं जीब्रा बचपन से सो दिस इज हाउ इज और इसी को हम हिंदी में गोरखर भी बोलते हैं डन ऑल राइट नेक्स्ट वन इज़ अ हॉर्स अगेन अब हम आप हॉर्स देखोगे तो कहीं ना कहीं यू विल बी लाइक कि हाँ यूल थोड़ा बहुत यू नो मैच करता है हॉर्स और डोंकी से इसीलिए उसको कहीं ना कहीं बीच में माना जाता है ठीक है सो दिस इज़ वॉट अ हॉर्सेज नाउ हॉर्सेज आर ऑल्सो नोन बाय डिफरेंट नेम्स डिपेंडिंग ऑन देयर ब्रीड्स और वेदर दे आर फीमेल और मेल इस तरीके से उनके अलग अलग नाम होते हैं बट ऑब्वियसली जो हम घोड़ा बोलते हैं नॉर्मली इन हिंदी दैट इज़ वॉट इज अ हॉर्स और दिस इज़ अ घोड़ा क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट वन इज अ लेपर्ड लेपर्ड जो है वो ऐसा दिखता है पैटर्न आपको ध्यान में रखना पड़ता है टू रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन अ लेपर्ड अ टाइगर ठीक है तो लेपर्ड जो है वो इस तरीके का दिखता है जिसको हिंदी में तेंदुआ कहते हैं एंड इसका पैटर्न जो है वही डिफर करेगा व्हेन वी विल मूव ऑन टू टाइगर और एनी अदर एनिमल जो इसी टाइप का दिखे ठीक है जैसे चीता हो गया सो लेपर्ड इज वॉट इज तेंदुआ एंड दिस इज द पैटर्न जो कि ऐसे पैचेस होते हैं वो देखे जाते हैं डन ऑल राइट नेक्स्ट वन इज़ अ मंकी भाई बंदर ठीक है तो इसको हम जानते हैं दिस इज़ हाउ अ मंकी लुक्स लाइक इसको देखा भी होगा बहुत से ऐसे पार्क्स वगैरह होते हैं वेयर वी सी मंकीज़ एंड वी काइंड ऑफ गिव देम फूड एंड वी ऑल्सो सी देम यू नो कुछ ऐसे टेम्पल्स वगैरह होते हैं जहाँ पर आपको ये दिख जाएंगे कुछ पहाड़ी एरियाज़ वगैरह होते हैं जहाँ पर आपको ये ओपनली दिख जाएंगे सो यू कैन डेफिनेटली सी देम अ लॉट ऑफ टाइम्स राइट यू मस्ट हैव ऑलरेडी सीन देम सो दिस इज़ हाउ अ मंकी लुक्स लाइक और इसका नाम क्या हिंदी में बंदर नेक्स्ट इज अ गोट बकरा बकरी जो भी आपको बोलना है सो दिस इज़ हाउ अ गोट लुक्स लाइक ऑल्सो गोट में भी मेल गोट फीमेल गोट के भी अलग अलग नाम रख देते हैं मेल शीप फीमेल शीप के एक दो हम देखेंगे भी बट अगर हमें कॉमनली बस बोलना है किसी को गोट सो दिस इज व्हाट अ गोट इज डन ऑल राइट नेक्स्ट इज अ कैट अगेन देर आर पीपल हु लव कैट देर आर पीपल हु डू नॉट लव कैट राइट तो कैट इज अगेन अ पेट एनिमल इसको हम अपने घर पर भी देखते हैं बहुत ज़्यादा फास्ट होता है ये एनिमल राइट बिल्ली बहुत ज़्यादा फास्ट होती है एंड येस पीपल डू कीप इट एज अ पेट एंड देर आर पीपल हु कीप डॉग एज अ पेट सो वी नो इट वेरी वेल डन ऑल राइट नेक्स्ट वन इज अ टाइगर जिसे हिंदी में बाघ कहा जाता है तो टाइगर ये है ठीक है लेपर्ड में और टाइगर में देखा कितना ज्यादा डिफरेंस है पैटर्न का सो दिस इज हाउ अ टाइगर लुक्स लाइक डन नेक्स्ट वन इज अ ऑक्स जिसे हम बैल कहते हैं, हैं हिंदी so cow और ऑक्स को हम एक साथ ही पढ़ते हैं दिस इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ ऑक्स ऑक्स के भी डिफरेंट डिफरेंट आपको दिख जाएंगे फीचर्स सो इसे हम क्या कहते हैं ऑक्स डन ड नेक्स्ट वन इज अ अर जिसे हम कहते हैं भालू ठीक है सो दिस इज हाउ अ लुक्स लाइक अगेन अ वेरी कॉमनली नोन एनिमल डन नेक्स्ट वन इज अ शीप जैसे हम गोट का देख लिया हमने बकरी को हम बोलते हैं गोट वैसे ही शीप होती है भेड़ जिसे हम ये बोलते हैं ठीक है इस तरीके से दिखती है वी नो कि भाई भूल वगैरह जो है वो शीप से ही कलेक्ट किया जाता है सो दिस इज वॉट अ शीप इज डन ऑल राइट नेक्स्ट इज़ अ वुल्फ जिसे भेड़िया कहा जाता है वुल्फ पे तो भाई बहुत सी ऐसी मूवीज़ वगैरह भी बनती है राइट एक्चुअली दिस इज़ हाउ अ वुल्फ लुक्स लाइक तो जो सियार uh, हमने देखा था और जो भी हम देख रहे हैं वुल्फ दे बोथ आर डिफरेंट एंड हाउ दे आर डिफरेंट वी कैन मेक इट आउट विद यू नो फ्रॉम देयर इमेजेस कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल ही रहा है डन ऑल राइट नेक्स्ट वन इज अ बफेलो सो वी वी सॉ सॉ अ एन ऑक्स नाउ वी हैव टू सी अ बफेलो जिसे भैंस बोलते हैं अगेन ये भी बहुत से लोग जो हैं पालते हैं अपने घर पे राइट right? सो so इसे हम बहुत अच्छे से जानते हैं वी हैव सीन इट अ लॉट ऑफ टाइम्स डन ऑल राइट नेक्स्ट वन इज अ क्रोकोडाइल तो क्रोकोडाइल अगेन एक वाटर एनिमल वी हैव सीन इट अ रेप्टाइल ठीक है तो so इस तरीके का दिखता है क्रोकोडाइल जिसे हम क्या बोलते हैं मगरमच्छ डन ऑल राइट नेक्स्ट इज अना Highness तरीके की दिखती है ठीक है और इसी को लकड़बग्गा कहा जाता है इन हिंदी अगेन ये नाम बहुत कॉमन है इसका हिंदी वाला बट ये इंग्लिश में उसको हाइना कहा जाता है सो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट डन ऑल राइट नेक्स्ट वन इज अन जिसे हम शेर बोलते हैं ऐसे सी भी बोलते हैं इट्स ऑल्सो साइन राइट सी यानी जो राशि होती है सो so, लायन ये है भाई तो इस तरीके से लेफर टाइगर एंड अ लाइन आर डिफरेंट डन ऑल राइट नेक्स्ट वन इज अ डियर जिसे हम हिरण या मृग भी कहते हैं इनकम बहुत अच्छी भाषा में बोला जाए तो तो इसे हम कहते हैं भाई डियर अब डियर भी आपको वैसे वैसे कब दिख जाएंगे छोटे छोटे जो बेबी डियर्स होते हैं एक अलग प्रिंट होता है सो ऑल दीज आर डियर्स डन ऑल राइट नेक्स्ट वन इज अ एलिफेंट वी नो इट ऑल हैव सीन इट राइट इसकी भी राइड होती है एलिफेंट राइड सो दिस इज़ वॉट अ हाथी और एलिफेंट लुक्स लाइक डन ऑल राइट नेक्स्ट वन इज अ लैम्ब अब हमने देखो वो गोट देख लिया हमने शीप देख लिया अब एक और होता है उसे लैम्प कहते हैं जिसे हम मेमना कहते हैं ठीक है तो ये बेबी है तो इसको हम क्या कहते हैं लैम्प डन ऑल राइट नेक्स्ट वन इज द मोल अब ये भी आपको घरों में दिख जाएगा लाइक वी सी माउस बहुत कॉमनली राइट right? एक और होता है जो इस तरीके का होता है मुंह का शेप जिसे हम छुछुंदर बोलते हैं इन हिंदी और इसी को मोल कहा जाता है इन इंग्लिश सो यू मस्ट नो कि भाई इसका इंग्लिश नाम क्या है मोल डन ऑल राइट नेक्स्ट वन इज अ जिराफ जिराफ को हिंदी में भी जिराफ ही बोला जाता है तो बहुत ही मतलब एक अच्छी सी बड़ी सी नेक होती है वी हैव सीन इट ऑल्सो देर आर प्लेसेज जहाँ पर आप ओपनली देख सकते हो जिराफ्स को सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक डन ऑल राइट नेक्स्ट इज अ पोनी पोनी किसको बोलते हैं एक छोटे से घोड़े को ठीक है ऐसा दिखता है ये है ये हॉर्स ही बट एक छोटा हॉर्स है तो दोनों डिफरेंट हो जाते हैं तो इसे पोनी कहा जाता है तो हमने बहुत बार नाम सुना होता है पोनी ठीक है बट वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट कि कैसा दिखता है ये दिखता है ये हॉर्स की तरह है बट इट इ्स लाइक अ स्मॉलर हॉर्स डन ऑल राइट नेक्स्ट इज अ अपोपोटमस जिसे हम कहते हैं दरियाई घोड़ा ठीक है ऐसा दिखता है ये और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब मोटू सा होता है बहुत ज्यादा हैवी एनिमल होता है और इस तरीके का ये दिखता है जिसे हमने आ, रियल लाइफ में तो आई डोंट थिंक इतना देखा होगा किसी ने बट इस डेफिनेटली इसको हमने चैनल्स वगैरह भी देखा एंड वी नो इट्स क्योंकि इमेज वगैरह भी बहुत ज्यादा पढ़ते हैं बचपन से सो दिस इज वॉट अपोपोटमस इज डन ऑल नेक्स्ट इज अ मोंगूव मोंगूस यानी नेवला स्नेक एंड मोंगूस हम देखते हैं राइट right? तो मोंगूव इस तरीके का दिखता है जैसे नेवला कहा जाता है इफ यू हैव सीन लाइक स्टोरीज एनिमेटेड मूवीज वेर यू नो इस मॉन्गूज और स्नेक की फाइट वगैरह दिखाई जाती है सो यू मस्ट भी अवेयर ऑफ इट ऑल्सो स्टोरीज वगैरह भी हैं सो so, नेवले को ही बोलते हैं मोंगूव डन ऑल राइट नेक्स्ट इज एन एप अब बहुत दिख जाएंगे आपको जैसे अभी हमने मंकी देखा वैसे ही आप बहुत सारे चिमपैन जी ऐसे सब देख सकते हो सो so, ऐसे ही एक कौन है एप जिसे हम हिंदी में कहते हैं लंगूर ठीक है तो एप इस तरीके का दिखता है अगर आप सारी इमेजेस एक साथ देखोगे तब आपको जाके उन्हें डिफरेंस दिखेगा कि अच्छा डिफरेंट डिफरेंट मंकीज ऐसे दिखता है क्लियर ऑल नेक्स्ट वन इज अ फॉक्स फॉक्स मतलब लोमड़ी इन हिंदी तो फॉक्स ऐसा दिखता है अगेन uh, क्या बोलते हैं जो हाइना है जो जेकॉल है जो फॉक्स है, है तो बहुत थोड़े यू you नो know, कम ही ऐसा होगा कि आपको डिफरेंस दिखेगा तो बहुत लगभग मिलता है इनका चेहरा बट ये सब अलग है ठीक है तो फॉक्स है एक्चुअली जिसे हम लोमड़ी कहते हैं क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट वन इज अ पॉक्यू पाइन अब ये भी आपने इमेज में देखा होगा जनरली यू नो सबने कभी देखा नहीं होता है इन लाइफ तो ये इस तरीके का दिखता है इसके यू नो इस तरीके के बाहर निकले होते हैं बहुत नुकीले से स्पाइंस इसीलिए इसको पॉक्यू पाइन कहा जाता है और उसको साही कहा जाता है हिंदी सो दिस इज वॉट अ पॉक्यू इज तो अगर इस तरीके का थोड़ा सा देखें तो माउस टाइप का या फिर यू you नो know, Uh, जो uh, मोल होते हैं उसके जैसा थोड़ा सा मतलब तो मोल का बहुत तो ज्यादा नुकीला चेहरा होता है एंड इसकी बॉडी पे इतने सारे यू नो स्पाइंस टाइप नुकीले लगे हुए हैं तो इसी को कहा जाता है पॉक्यू डन ऑल नेक्स्ट इज अ कोल्ट कोल्ट किसको कहते हैं एक मेल हॉर्स को ठीक है सो कोल्ट स्पेसिफिकली एक मेल हॉर्स होता है जो ऐसा दिखता है और इसे कहा जाता है बछेड़ा इन हिंदी एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक तो ये कॉमनली हम सुनते नहीं हैं बट यस कोल्ट क्या है एक तरीके का मेल हॉर्स एक एज ग्रुप भी डिफाइन किया जाता है कि थ्री टू फोर ईयर्स आई गैस या वन टू टू ईयर्स इन सबके ही इन्हीं को बस कोल्ट कहते हैं डन ऑल राइट नेक्स्ट वन इज अ चीता यानी चीता जिसे हिंदी में कहते हैं सो दिस इज हाउ चीता लुक्स लाइक तो चीता और लेपर्ड में अगर आप ध्यान से देखो थोड़ा पैटर्न का डिफरेंस होता है सो so ये है भाई चीता तो so ये आपको ध्यान में रखना है लेपर्ड टाइगर लायन एंड चीता डन ऑल राइट नेक्स्ट वन इज अ रायनोसरस जिसे गेंडा कहते हैं हिंदी दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक इसके ऐसे हॉर्न्स होते हैं ठीक है सो so ये है रायोसरस डन ऑल राइट नेक्स्ट वन इज़ अ याक या फिर इसको ग्रंटिंग ऑक्स भी कहते हैं और इसको हिंदी में याक के नाम से जाना जाता है ऐसा ये दिखता है अब इसको भी आपने शायद किसी मूवी में या कभी इमेज वगैरह देखा हो वीडियो वगैरह देखा हो कि ये जहाँ पे पाया जाता है वहाँ पे इसको बहुत कॉमनली यू नो यूज़ करते हैं सो दिस इज़ हाउ अ याक और अ ग्रंटिंग ऑक्स लुक्स लाइक डन ऑल राइट नेक्स्ट वन इज अ चिंपैंजी अभी मैंने बोला ना बहुत सारे मंकी वराइटीज़ देखेंगे हम तो एप देख लिया नॉर्मल मंकी देख लिया अब ये है चिंपैंजी जिसको हम यू you नो know, इस तरीके से पहचान सकते हैं कि भाई चिंपैंजी ऐसा दिखता है इट इज़ नोन एज वन मानुष इन इंग्लिश बिकॉज इट इज़ लाइक क्या भाई ऐसे ही बोला जाता है ना दर इज एन रेवल्यूशन फ्रॉम मंकीज टू ह्यूमन बींग्स तो इसी को वन मानुष बोलते हैं डन ऑल राइट नेक्स्ट वन इज कंगारू जिसे कंगारू बोलते हैं हिंदी सो दिस इज हाउ लुक्स लाइक एक पाउच होता है यहाँ बेबीज तो इसे कहते हैं क्या कंगारू जो हॉप करता है तो हमने डियर right? right. तो है बट दिस इज मस्क डियर जो ऐसी दिखती है ठीक है और इसको बोला जाता है कस्तूरी हिरन इन हिंदी सो दिस इज हाउ मस्क डियर लुक्स लाइक तो डियर इज डिफरेंट एंड मस्क डियर इज डिफरेंट क्लियर all right नेक्स्ट वन इज अयर अभी मैंने बोला था ना रैबिट एंड देन हेयर ठीक है तो ये देखो रैबिट आपने देख लिया अब हेयर जो है वो ऐसा दिखता है देखो इसके कान बड़े होते हैं थोड़ा अलग है दिखने में तो इसी को हेयर बोला जाता है सो ओके पीपल यूज़ इट लाइक कि दोनों इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं बट दोनों में डिफरेंस है हेयर में ईयर्स जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं दे हैव लाइक लॉन्ग ईयर्स तो हेयर को हिंदी में क्या बोलते हैं खरहा और रैबिट को क्या बोलते हैं खरगोश क्लियर ऑल राइट right. नेक्स्ट वन इज अ गोरिल्ला विहासिन एफ विहसीन चिमपैन जी नाव दिस इज हाउ अ गोरीला लुक्स लाइक अगेन मूवीज से बहुत ज़्यादा फेमस है ये ऑल राइट इसी को यूज किया जाता है इसी कॉस्ट्यूम को राइट जैसे दिखते हैं सो इसे क्या कहा जाता है गोरिल्ला कहा जाता है डन ऑल राइट नेक्स्ट वन इज अ एलिगेटर जैसे क्रोकोडाइल देखा अब वैसे ही एलिगेटर होता है जो डिफरेंट होता है तो एलिगेटर ऐसा दिखता है और क्रोकोडाइल हम ऑलरेडी देख चुके हैं सो so, इसी को क्या कहते हैं घड़ियाल ठीक है सो एलिगेटर इज घड़ियाल एंड क्रोकोडाइल वॉज मगरमच्छ डन ऑल राइट नेक्स्ट वन इज मेर मेर किस को कहते हैं एडल्ट फीमेल हॉर्स को फीमेल हॉर्स नहीं एडल्ट फीमेल हॉर्स यानी जिसकी एज एक डिफाइंड होती है कि भाई इतनी इतनी एज में दे आर एडल्ट फीमेल हॉर्स एंड दे आर नोन एज मेर तो घोड़ी ऑब्वियसली फीमेल है सो इट वुड बी मेर डन नेक्स्ट एनिमल इज अ स्वैम्प डियर जिसका इंग्लिश नाम नहीं बट हिंदी नाम होता था कॉमन है दैट इज बारा सिंघा कहते हैं इसको ट्वेल्व हॉर्ड डियर भी कहा जाता है इसे सो so, इसका एक्चुअली इंग्लिश नेम क्या होता है स्वैम्प डियर बिकॉज डियर की ही स्पीचीज को बिलोंग करता है बट इट हैज लाइक ब्रांच हॉन्स तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है ट्वेल्व हॉर्न डियर या स्वैंप डियर डन नेक्स्ट वन इज अम्पस्टर अगेन इट लुक्स लाइक अट येस दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक नॉर्मली जो माउस होते हैं दे आर डिफरेंट और हेम्प्टर्स आर डिफरेंट और इसको हिंदी में भी हेम्प्टर के नाम से ही जाना जाता है देर इज नो कॉमन हिंदी नेम जो कि स्पेसिफिकली अभी तक गिया गिबिन है इसको सो दिस इज वॉट अ हैम्पस्टर इज डन ऑल राइट नेक्स्ट वन इज अ बैजर जिसे हिंदी में बोला जाता है बिज्जू और ये इस तरीके का दिखता है ठीक है तो ये मतलब थोड़ा सा फेस कट इसका बॉडी पार्ट या जो भी बोल सकते हो एक uh, जो बॉडी स्ट्रक्चर है इट काइंड ऑफ रिसेंबल विद अउस बट येस जो फेस है दैट्स क्वाइट डिफरेंट सो दिस इज हाउ अ बैजर लुक्स लाइक जिसे हिंदी में बिज्जू कहा जाता है क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट वन इज अज हॉक अब हेज हॉग आपने नाम शायद सुना हो डेफिनेटली yes, आपने इसकी इमेज जरूर देखी होगी ऐसा कुछ दिखता है ये बहुत ही अलग क्रिएटिव सी इसकी बॉडी स्ट्रक्चर है और इसी को कहा जाता है हेज हॉक बिकॉज इसका अगर हम बॉडी स्ट्रक्चर देखें तो इसे कांटे टाइप बने हुए राइट तो कांटेदार जंगली चूहा वाइल्ड एनिमल दूसरी बात इट इज लुकिंग लाइक इट हैज लाइक दीज पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स तो, yes, like तो इसीलिए बोला जाता है कांटेदार जंगली चूहा टन और नेक्स्ट एनिमल इज अ रखून रखून कुछ ऐसा दिखता है ठीक है और इसको इसको थोड़ा बहुत आप बोल सकते हो कि फॉक्स या हाइना से थोड़ा रिसेंबल कर रहा है बट इट्स डिफरेंट दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक जिसको हिंदी में भी रैकून के नाम से ही जाना जाता है सो दिस इज हाउ इट लुक्स डन और नेक्स्ट वन इज अ पेंगोलिन तो पेंगोलिन कुछ ऐसा दिखता है मतलब अलग ही इसका स्ट्रक्चर है अगर ध्यान से देखो तो ऐसे मतलब प्लेट्स बनी हुई हैं और बहुत अजीब सा एक उसका बॉडी क्रिएशन uh, है सो दिस इज हाउ डिफरेंट इट इज तो बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है अगर कोई इसको देख ले तो तो इसे बोला जाता है पेंगोलिन जिसे वज्र शल्क बोलते हैं हिंदी अब ये कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज में ही दिखने को मिलता है एवरीवेयर इट्स नॉट फाउंड क्लियर और नेक्स्ट वन इज अ कोआला जिसको हम देख सकते हैं मतलब अलग ही बेर टाइप का दिखता है ये ठीक है और इसका अलग ही मतलब इस तरीके का बॉडी स्ट्रक्चर होता है इट्स समवेयर ऑन द क्यूटर साइड एंड आल्सो नॉट ऑन द क्यूटर साइड सो दिस इज हाउ दिस लुक्स लाइक जिसे कोआला कहते हैं हिंदी में भी इसको कोआला के नाम से ही जाना जाता है क्लियर ऑल राइट

नेक्स्ट वन इज अपोसम अब जो हम एनुम्स देखेंगे ना हिंदी ऐसा कॉमन स्पेसिफिक नेम नहीं है बट येस दे आर नोन बाई दीज ने अब नेक्स्ट है ओपोसम जो कि अगेन इस तरीके का दिखता है थोड़ा बहुत बेड जैसा इसका बॉडी स्ट्रक्चर है बट दिस इज द ओपोसम डन ऑल राइट नेक्स्ट वन इज अ प्लेटप जिसको अपने कार्टून में या फिर नॉर्मली भी सुना होगा इसके बारे में सो दिस इज वॉट अ प्लेटपस इज इस तरीके का इसका बीक होता है देर आर दिस फिन इस तरीके का ये एनिमल है जिसे प्लेटपस ही कहते हैं इन हिंदी एंड इट इज ऑल्सो नोन एज प्लेटपस इन इंग्लिश एटसेप ठीक है लिंक्स लिंक्स ऐसा दिखता है ठीक है थोड़ा बहुत क्या टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसकी फेस का मतलब बट इट्स डिफरेंट दिस इज हाउ डिफरेंट इट इज इसको लिंक्स कहते हैं और इसको हिंदी में बन मिल, बिलाव कहते हैं क्लियर ऑल राइट नेक्स्ट वन इज अ फोसा जिसे हिंदी में भी फोसा ही कहते हैं और ये इस तरीके का दिखता है थोड़ा बहुत मोंगूस से मिलता जुलता है थोड़ा बहुत बट इट इज डिफरेंट और इसे कहते हैं इसे कहते हैं फोसा ठीक है अबाउट मोंगूस बट इट्स डिफरेंट डन नेक्स्ट वन इज अ आर्मा डिलो जिसे हिंदी में वर्मी के नाम से जाना जाता है और ये कुछ बहुत ही डिफरेंट स्ट्रक्चर है ऐसा लगता है मतलब तो थोड़ा स्टील टाइप का कुछ क्रिएशन किया हो हमने या मेटल तो से बनाया हो बट इट्स नेचुरली वॉट इट लुक्स लाइक इस तरीके का उसका बॉडी स्ट्रक्चर है अगेन माउस से डिसेंबल कर रहा है बट इट्स वेरी डिफरेंट सो दिस इज आर्मा डिलो जिसको वर्मी कहते हैं अगेन ओनली फाउंड इन सम ऑफ द कंट्रीज एंड दैट टू वेरी रेयरली डन ऑल राइट So with this, we finally come to an end of the vocabulary of all very common animals and not so common animals. But yes, some of them are so interesting. You know animal name is in English. ऑल्सो मेजोरिटी ऑफ दैम आपको ऑलरेडी पता होंगे कि अच्छा इसका नाम ये था मे बी हिंदी यू वो नॉटरफ इट सो दिस इज हाउ इन बोथ द लैंग्वेजेस यू केम टू नो अबाउट डिफरेंट कॉमन एनिमल्स आई होप आपको ये सारे ही नाम जो है अच्छे से याद हो जाए एंड नाउ यू नो कि भाई किस एनिमल को क्या बोला जाता है इन बोथ द लैंग्वेजेसो विद दिस बी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो बरियस इन द नेक्स्ट वन आर गोइंग टू मीट विदिक वेरी सुन टेन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग